हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जब से GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से जब भी हम कुछ परचेसिंग करते हैं मार्केट से, तो उस बिल में एक जीएसटी को लेकर अलग से कुछ अमाउंट ऐड होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि जो दुकानदार आपसे जीएसटी ले रहा है, वो जीएसटी लेने के लिए रजिस्टर्ड है कि नहीं? आपको नहीं लगता कि उस दुकानदार और कंज्यूमर के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? जो कंज्यूमर है, वो जानकारी के अभाव में वो पैसे दे तो देता है, पर अगर आप थोड़े भी एजुकेटेड हैं, आपको ये सोचना चाहिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि जो GST का अमाउंट वो दे रहे हैं, वो सही है कि नहीं, यानी वो दुकानदार उसको ले सकता है कि नहीं। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ऐसा ऑफिशियल ऐप इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से विद इन मिनट्स कोई भी जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है मोबाइल के बारे में, आसानी से पता कर सकता है कि वो दुकानदार आपसे GST ले सकता है कि नहीं। मार्केट में ऐसे ठग दुकानदारों की कमी नहीं है, जो फेक बिल बना के आपसे एक्स्ट्रा मनी लेते हैं, जो वो डिज़र्व भी नहीं करते। तो एक जागरूक ग्राहक के तौर पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे बिना मतलब का मार्केट में पैसे ना दे। आफ्टर ऑल, काफ़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, तो उसको फालतू तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो ऐप, कैसे उसे इंस्टॉल करना है और कैसे हमें ये पता लगाना है उसके थ्रू कि दुकानदार आपसे GST ले सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको GST वेरीफायर नाम का ऐप सर्च करना है और उसके नीचे लिखा हुआ है रघु किरण। ये GST हैदराबाद के जॉइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने ही इसी ऐप को बनाया हुआ है। तो ये ऑफिशियल ऐप है, इसको आपको ओपन करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली इसे ओपन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही आपको अपनी डिटेल्स देनी है। सिंपल सा ये इंटरफेस आपको उस ऐप का मिलेगा। वहाँ पर आपको एंटर GST नंबर, यहाँ पर आपको GST नंबर एंटर करना है, जिसके बारे में आपको पता करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली मैं गूगल से कोई भी डेमो बिल डाउनलोड कर लेती हूँ। देखिए, ये बिल हम देख लेते हैं। बिल इसी तरीके का होता है, ये फॉर्मेट आपको पता होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है GST IN, ये GST नंबर है। ये जब नंबर आप उस ऐप में एंटर करेंगे, तो आपको उस दुकानदार से जुड़ी काफ़ी जानकारी पता चल जाएगी। तो हम ये एंटर करके देख लेते हैं। अब आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। देखिए, GST नंबर इज़ वैलिड, यानी ये जो दुकानदार GST ले रहा है वो वैलिड है, वो ले सकता है। इसके बाद यहाँ पर उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। GST नंबर तो पहले ही हमें पता था, कंपनी का टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कंपनी नेम क्या है, उसका टाइप और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस केस में तो वो दुकानदार वैलिड है, यानी वो ले सकता है GST। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो दुकानदार GST नहीं ले सकता, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज काफ़ी कंज्यूमर एक्स्ट्रा पे कर देते हैं अननोइंगली। तो मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों में से हों जो जानकारी के अभाव में GST पे करें उन दुकानदारों को, जो लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं भी नहीं। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। हो सके तो इस वीडियो को WhatsApp पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग, यानी जितने भी सीनियर्स हैं या फिर जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है एंड्रॉयड के बारे में, वो लोग भी WhatsApp पर तो एक्टिव हैं। अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो मेरे हिसाब से दे विल नॉट गेट फूल्ड आफ्टर दिस। सो डू शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। गाइज, आपका लाइक मैटर करता है। सो ऑन दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में विद अनदर वेरी यूजफुल टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।